नमस्कार दोस्तों दोस्तों यदि आप वीडियो एडिटिंग करने के लिए काइंड मास्टर का यूज करते हैं और आपको फाइल सेव करते समय ऐसे एरर मैसेज देखने को मिलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों हम घंटों मेहनत करके वीडियो को शूट करते हैं और उससे भी ज़्यादा कई घंटे लगा के हम वीडियो को एडिट करते हैं और जब हम फाइल को सेव करने जाते हैं उस वक्त हमको यदि ऐसा एरर मैसेज देखने को मिले तो हमारा टाइम और मूड दोनों खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे निपटने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है। पहला कि हम जिस फाइल में काम कर रहे हैं उसको हम दूसरे फोन में एक्सपोर्ट कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम कोई और वीडियो एडिटिंग ऐप सीख लें। दोस्तों इस वीडियो में हम पहले वाले सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, यानी कि कैसे हम काइंड मास्टर से फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरे फोन में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने काम को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों काइंड मास्टर से फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट हो उसके 3 डॉट पर टच करिएगा। देखिए यहां पर सबसे ऊपर एक्सपोर्ट एज डॉट काइंड फाइल लिखा हुआ है, इसको टच करिए। दोस्तों इसके बाद आप यहां 3 लाइन्स पर टच करिए। अब आप सिलेक्ट करिए कि आपको फोन मेमोरी में स्टोर करना है या कार्ड मेमोरी में, तो हम कार्ड मेमोरी सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहां पर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, उससे काम करने में आसानी होती है। इसके बाद सिलेक्ट पर टच करिए। देखिए दोस्तों ये फाइल इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही है। देखिए दोस्तों फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। जैसी फाइल आपके काइंड मास्टर में थी एज इट इज ये एक्सपोर्ट हो चुकी है और एक दूसरी फाइल का रूप ले चुकी है। इसे हम कर देते हैं ओके। दोस्तों अब हम इस फाइल को दूसरे फोन में एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम माय फाइल्स में जाएंगे, कार्ड में जाएंगे। ये देखिए दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर मेरा फोल्डर दिख रहा है। देखिए दोस्तों ये है वो वाली फाइल। इसे शेयर करने के लिए मैं इसे होल्ड करके रखूंगा, शेयर पे दबाऊंगा। देखिए ये है मेरा दूसरा फोन, इसमें मैं फाइल्स ऐप को ओपन करता हूं, रिसीव पे जाता हूं। दोस्तों ये है हमारा दूसरा फोन, इसमें हम फाइल को रिसीव कर लेंगे। देखिए ये फाइल इस पे आ रही है। देखिए दोस्तों ये फाइल इसमें आ चुकी है और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली काइंड मास्टर में ओपन हो रही है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये फाइल को इंपोर्ट कर रहा है, ये एसेट्स को भी ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेता है। ये देखिए दोस्तों ये फाइल इसमें आ चुकी है। अब हम इसमें से फाइल को सेव कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यदि आप फाइल को अलग से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट न्यू पर टच करिए, यहाँ इंपोर्ट को दबाइए, इसके बाद फाइल्स को दबाइए और जहाँ पर भी आपकी फाइल आई हो यानी कि डाउनलोड फोल्डर में आई होगी उसको दबा के आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये इंपोर्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों फाइल्स और फोल्डर्स को ट्रांसफर करने के लिए गूगल के ही फंक्शन नियर बाय शेयर का यूज कैसे करते हैं उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा, और गूगल फाइल्स ऐप का यूज भी आप कर सकते हैं फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, ये कैसे होगा उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।